अमित शाह जी मंच पे बोल रहे थे और लोग उठ उठ करके जा रहे थे। तो मैंने पूछा कि आप जिनको सुनने आए थे उनको सुन तो लीजिए, पूरा तब जाइए, क्या बोल रहे हैं वो, वरना नहीं जाने देंगे। और फिर उन लोगों ने भीड़ को मुझे मारा और मंच के पीछे एक रूम में लॉक करके रखा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आपको मारा और मंच के पीछे लॉक करके रखा थोड़ी देर। तो बहुत मारा है, तो मुझसे कह रहे थे वीडियो दे दीजिए हम आपको छोड़ देंगे। इतनी पिटाई के बाद मेरा कैमरामैन डर के भाग गया, क्योंकि उसके पास कैमरामैन का बहुत सामान था। मुझको बेवजह गालियाँ दे रहे थे और मुल्ला बुला रहे थे, कह रहे थे तुम मुल्ले हो साले, जबकि मैं तो बस सवाल कर रहा था, वहाँ पर पूछ रहा था। और आज पहली बार मुझे महसूस हुआ है कि जब 40-50 लोग मारते हैं आपको तो आप उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उनमें से बहुत सारे लोग बेरोज़गार होते हैं, लेकिन उनके पास मारने के लिए टाइम है। कुछ लोगों ने पैसे लेके आए थे, ये बात कही, महिला ने ये बात कबूली। क्या मुझे प्रधान जी गाड़ी से लाए और उन्होंने कहा था 100 रुपये भी दे दिए। देश की पुलिस और मीडिया पर आज मेरा भरोसा उठ गया। मैं दो पुलिस वालों का हाथ पकड़ के खींच रहा था कि सर मुझे बचा लीजिए, उन्होंने भी नहीं बचाया। मैंने कई पत्रकारों से भी रिक्वेस्ट की, उन्होंने भी नहीं बचाया। रैली में आने के लिए 100 रुपये दिए गए, उसके बाद से पत्रकार को वहाँ पर कुछ लोगों ने पीटना शुरू कर दिया और उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टर बता रहे हैं कि फ्रैक्चर है, क्या स्थिति है सर, क्या स्थिति है? तो मुझसे कह रहे थे वीडियो दे दीजिए हम आपको छोड़ देंगे। इतनी पिटाई के बाद मेरा कैमरामैन डर के भाग गया, क्योंकि उसके पास कैमरामैन का बहुत सामान था। मुझको बेवजह गालियाँ दे रहे थे और मुल्ला बुला रहे थे, कह रहे थे तुम मुल्ले हो साले, जबकि मैं तो बस सवाल कर रहा था, वहाँ पर पूछ रहा था। क्या नाम है? मेरा नाम राघव त्रिवेदी है। तो आपको मुल्ला बुलाया जा रहा था? वो कह रहे थे कि तुम मुल्ले हो, कोई क्या कपड़ों से मुल्ला लग गया, कोई अपनी दाढ़ी से मुल्ला होता है क्या? और मुल्ला होना भी क्या गलत है? मैं सवाल ही तो कर रहा था कि आपके सामने महिला बोल रही है, सही बोल रही है झूठ बोल रही है? और एक बात तू रुक, अभी तुझे बताता हूँ। अच्छा, आपकी तबीयत इस स्थिति में नहीं है कि आपसे सवाल इतने कर सकते, लेकिन हुआ क्या था कुछ वाक्या बताएंगे? सर वाक्या इतना बताऊँगा कि इस देश की पुलिस और मीडिया पर आज मेरा भरोसा उठ गया। मैं दो पुलिस वालों का हाथ पकड़ के खींच रहा था कि सर मुझे बचा लीजिए, उन्होंने भी नहीं बचाया। मैंने कई पत्रकारों से भी रिक्वेस्ट की, उन्होंने भी नहीं बचाया। तो आज मेरा दिन है, कल उनका दिन आएगा, तब कोई फिर नहीं बचाएगा। उस समय घटना क्या हुई थी, आप कर क्या रहे थे ऐसा? मैं लोगों से सवाल कर रहा था, अमित शाह जी मंच पे बोल रहे थे और लोग उठ उठ करके जा रहे थे। तो मैंने पूछा कि आप जिनको सुनने आए थे उनको सुन तो लीजिए, पूरा तब जाइए, क्या बोल रहे हैं वो। तो जब लोगों को भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता और कार्यकर्ता, उन्होंने गले में बैज भी पहन रखा था, उन्होंने देखा कि वो महिला ऐसा बोल रही है, तो फिर वो मेरे पीछे पीछे आने लगे। उन्होंने मुझे वॉच किया और एक जगह पकड़ लिया और मुझसे वीडियो मांगने लगे कि वीडियो दे दीजिए तो आपको छोड़ देंगे, वरना नहीं जाने देंगे। और फिर उन लोगों ने भीड़ को मुझे मारा और मंच के पीछे एक रूम में लॉक करके रखा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आपको मारा और मंच के पीछे लॉक करके रखा थोड़ी देर, मंच के पीछे लॉक करके रखा, फिर मुझे बाहर ला के कह रहे थे कि इनको घर ले चलो, इनकी खातिरदारी करते हैं। मुझे चक्कर आ गया, मैं बेहोश हो गया, तो वो लोग वहाँ से मुझे छोड़ कर चले गए। फिर कुछ लोगों ने उन्हें ला के मुझे वहाँ पहुँचाया। आप किस तरह के सवाल कर रहे थे लोगों से? मैं यही पूछ रहा था कि मुद्दे क्या है। तो एक व्यक्ति आए थे, मोदी जी का बहुत बड़ा फोटो लेकर, मुझे अच्छा लगा, मैंने उनसे भी बात की थी, आप मोदी जी की इतनी बड़ी तस्वीर लेकर आए हैं। उन्होंने कहा मोदी जी मुझे पसंद है, अच्छी बात है। अगर कोई ये भी कहता है कि उसे नहीं पसंद है, सबका स्पेस होना चाहिए ना इस देश में। तो अगर आप अपनी बुराई नहीं सुन सकते हैं तो आप मारेंगे मुझे कुछ तो मारिए। यहाँ पर जो मौजूद है उन्होंने बताया कि आप ये पूछ रहे थे पैसे लेकर आए हैं, कुछ लोगों ने पैसे लेके आए थे, ये बात कही? महिला ने ये बात कबूली। क्या मुझे प्रधान जी गाड़ी से लाए और उन्होंने कहा था 100 रुपये भी दे दिए। तो मैंने मजाकिया अंदाज में उनसे पूछा
तो मुझे तो 200 दे रहे थे। उन्होंने कहा नहीं नहीं हमें 100 ही मिल रहा है, प्रूफ है मेरे पास। मैंने बस उस बात को उनसे वेरीफाई करना चाहा कि लोग ऐसा कह रहे हैं चाहे सच है। उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। और उसके बाद से उन्होंने कहा कि मुझे वो क्लिप दीजिए जो आपके पास है, वरना मान के नहीं। अभी डॉक्टरों ने क्या बताया है? मेरे पेट में मुझे बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि मेरे पेट में बहुत बाहर है, मेरा वॉलेट भी छीन लिया गया है, मेरे पेट और चेस्ट में बहुत भूसे मारे गए हैं सर। मैं किसी तरह से इसलिए मैं अपना फ़ोन और अपना इक्विपमेंट्स बचाना चाह रहा था। और आज पहली बार मुझे महसूस हुआ है कि जब 40-50 लोग मारते हैं आपको, तो आप उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उनमें से बहुत सारे लोग बेरोज़गार होते हैं, लेकिन उनके पास मारने के लिए टाइम है। आज ये वीडियो करते समय मेरी आंखों में भी आंसू निकल गए थे। आंसू हो गया, हमारा कोई नाता नहीं, हम कभी इससे पहले मिले नहीं, लेकिन जब आज रायबरेली में कुंडू ने एक पत्रकार को पीटा है, जो उन्हें पार्टी का कार्यकर्ता भी बोल रहे, ऐसा लग रहा है कि पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। वो सवाल भी कपड़े देख कर करें, सवाल भी पार्टी देख कर करें, सवाल भी लोग देख कर करें, नहीं तो वो सवाल उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। हम इस समय बहुत तेज़ आवाज़ में भी बात नहीं कर सकते, अगल बगल मरीज हैं, जिला अस्पताल है, और आज एक पत्रकार सवाल कर रहा था और उसे पीट दिया गया। अब सवाल करना भी शहर का विषय बन गया।